मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भैल दशहरा मैदान में रविवार को दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग संगठन के हजारों लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। दावा किया जा रहा है कि यहां करीब 5 लाख लोग आएंगे। लोगों का आना रात से ही जारी है और दशहरा मैदान में इस समय भारी भीड़ है। हर तरफ नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं और नीले रुमाल पहने हुए युवा दिखाई दे रहे हैं। भीम आर्मी का कहना है कि ये प्रदर्शन जातिगत जनगणना कराने, प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने समेत 15 से अधिक मांगों को लेकर हो रहा है। पहले करनी सेना और अब भीम आर्मी का प्रदर्शन भाजपा सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहा है। आपको बता दें कि आज होने वाली सभा को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद संबोधित करेंगे। इस जगह में अपना संविधान खत्म करना चाहते हैं। उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। तुम क्या हमारा संविधान छाट रहे हो? उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। चलो आरक्षण का विरोध करो, उनको भी मैं बदलना चाहता हूँ। आरक्षण का विरोध करने वाले आठ लोग सुनो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आरक्षण का विरोध करने वाले काल छोड़कर सुन लो। पहले तुम जातियां खत्म करो, आरक्षण तुम्हारे मुंह पर सुन लेंगे। आप लोगों ने मुझे संदेश सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को एक बार सुनना।